हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास एक डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि सीड स्टूडियो का साव ESP32S3 बोर्ड है और ये काफी छोटा है और काफी यूनिक भी है। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन और कोड और कुछ बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाना सीखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो डुअल कोर एक्सटेंस किया LX7 आप मिल जाएगा और इसके क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में 240 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी एंड इसमें ब्लूटूथ 5.0 विथ BLE मेश का सपोर्ट मिल जाएगा और आप लोगों को 8 MBPS रैम भी मिल जाएगी और 8 MB फ्लैश मेमोरी भी मिल जाएगी। तो इसके कुछ पिंस के बारे में बात करूँ तो 11 GPIO पिंस मिल जाएंगे और 6 एनालॉग पिंस मिल जाएंगे और 9 टच पिंस मिल जाएंगे। तो चलिए इस डेवलपमेंट बोर्ड में कुछ बेसिक कोड्स को अपलोड करते हैं और साथ ही साथ कोड को भी समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो डाला है यहाँ पे। एक हमने सीरीज स्टार्ट किया MySQL का और इस सीरीज़ में हम MySQL डाटाबेस को मैनेज करना सीखेंगे ESP32 के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा व्यूज़ मतलब काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट रहा आप लोगों का और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और भी नई नई सीरीज़ और नई नई वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे जो हमारा Arduino IDE है उसके साथ ESP32S3 बोर्ड को यहाँ पे कुछ कोड को बेसिक कोड को कैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। तो सेटिंग में आने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमको कोई भी बोर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है S3 का। तो सबसे पहले हमको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे उस लिंक को यहाँ पे ऐड करना है जो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओके एंड सेव पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही सेव पे क्लिक कर देंगे तो कुछ हमारे पैकेजेस जो हैं वो डाउनलोड होने लगेंगे एंड डाउनलोड होने के बाद अभी हमको यहाँ पे जो हमारा S3 बोर्ड था जो हमारा यहाँ पे ESP32 अभी हम यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं साव ESP32S3। तो जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पे जो भी पोर्ट वगैरह है वो सिलेक्ट कर लेना है एंड पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद अभी हम कुछ यहाँ पे कुछ एक ब्लिंक का कोड यूज़ करते हैं मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल में आ जाना है। एग्जांपल में आने के बाद यहाँ पे तो बेसिक्स में आ जाना है एंड ब्लिंक। सो यहाँ पे ब्लिंक हमने सेलेक्ट कर दिया एंड तो सबसे पहले आपको यहाँ पे CD स्टूडियो को अपने जो भी जिसके साथ कनेक्ट करना एंड कनेक्ट कर लेना एंड पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट करके इस कोड को अपलोड कर देना है। कोड हमारा अपलोड होने के बाद यहाँ पे कुछ ऑरेंज कलर की एक LED जो है वो ब्लिंक होने लगी है। तो ये हमारा जो ब्लिंक ये कोड हमने जो यूज़ किया है इस ब्लिंक कोड का यूज़ किया है। तो अभी हम इसमें एक कोड और यूज़ करते हैं जो हमारा ESP32 कैम मतलब कि इसके साथ ESP32 कैम को भी हम इनबिल्ड कर सकते हैं और उसके साथ हमको इस एंटीना को भी अटैच करना होगा। तो अभी हम चलते हैं पहले कोड को अपलोड करते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें अटैच कर लेते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे एग्जांपल में आना है तो हमको कोड यहीं से मिल जाएगा सारी चीज़ें। एग्जाम्पल में आने के बाद आप लोगों को करना क्या है ESP32 में आना है एंड उसके बाद यहाँ पे कैमरा वेब सर्वर उसके इसको सिलेक्ट करना है एंड जो हमारा बैग था इसको कट कर देते हैं एंड अभी ये सारी चीज़ें हो गई मतलब कि ये हमारा कोड ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा मॉड्यूल है मतलब कि जो भी हमारा मॉड्यूल है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे ESP32i करके है तो इसको हमको कमेंट कर देना है एंड कमेंट करने के बाद ये हमारा जो हमारा ESP32 साउ S3 है इसको अनकमेंट कर देना है। तो यहाँ पे इसको अनकमेंट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो हमारा SSID मतलब कि जो हमारा वाईफाई का SSID और पासवर्ड होता है उसको यहाँ पे इंटर करना है एंड यहाँ पे हमने SSID और पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर दिया। और अभी हम इसमें इस कोड को अपलोड करते हैं। यहाँ पे इसको अपलोड पे क्लिक करना है एंड देन अपलोड। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा कोड जो है फाइनली अपलोड हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे हमको सीरियल मॉनिटर में आ जाना है एंड सीरियल मॉनिटर में आने के बाद यहाँ पे कैमरा अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया तो लेट्स सी हम सबसे पहले कैमरा को कनेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है अभी हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया एंड कनेक्टेड करने के बाद वाईफाई जो हमारा है वाईफाई कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया एंड अभी हमको यहाँ पे एक IP एड्रेस मिल गया है। इस IP एड्रेस का यूज़ करके हम अपने जो भी हमारे सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस रहेगा उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंड इसको यहाँ पे हमने कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद अभी हमको यहाँ पे इसको
एंड इंटर करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने इंटर किया तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है। एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करने के बाद जो अभी यहाँ पे हमको शो हो रहा है, मतलब कि जो हमारा अभी फेस जो दिख रहा है, तो ये फेस मतलब कि कैमरा काफ़ी इस पर थोड़ा सा लाइट वगैरह और भी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब और भी चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हैं बेसिकली। सो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रेजुलेशन को बढ़ाते हैं ताकि हम और अच्छे दिख जाएं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा मेरे पास जो कैमरा यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइप का थोड़ा सा कुछ नो इफेक्ट करता हूँ। तो नो इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा कैमरा सीधा कर लेते हैं इसमें, तो ये काफ़ी इस टाइप से आप लोगों को शो हो जाएगा। थोड़ा सा रेजुलेशन कम करते हैं और लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब कि जो हमारा ये इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी टाइम से ये काफ़ी हॉट हो रहा है, मतलब काफ़ी हीट हो गया है। तो ये आप बेसिक प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ करना काफ़ी हीट हो जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कूलिंग के लिए भी कुछ यूज़ करना होगा ताकि ये कूल हो जाए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सेटिंग भी, यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी ऑप्शन है, फेस यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन करवा सकते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ इमेजेस को भी सेव करना है तो इमेजेस का भी सेव करते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है एंड इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अभी यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग में इमेजेस चल रही है वो इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो ये और इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जो हमारा कैमरा मॉड्यूल है, इस कैमरा मॉड्यूल में हम लोग अपना एक जो हमारा एसडी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक गिटहब की रिपोजिटरी है, यहाँ पे जिसका भी यूज़ करना चाहते हैं टेक फोटोज़, मतलब कि यहाँ पे आपको कोड्स भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे टेक फोटोज़ के यहाँ पे कोड्स का यूज़ करके मतलब कि अपनी फ़ोटोज़ को भी क्लिक करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब कि पूरा ओवरऑल सीड स्टूडियो ने यहाँ पे मेंशन किया है, कैमरा, वेब सर्वर, रिकॉर्ड वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इन सभी कोड्स का यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। बाकी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं और भी प्रोजेक्ट्स को, मतलब कि और भी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर कोई भी और नए नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तब भी आप लोग कमेंट कर दीजिए, वो आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और भी इस डेवलपमेंट बोर्ड का यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी मैं लाने वाला हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ अब तक तुरंत पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।